मैं वेद प्रकाश पाठक, प्रवक्ता हिंदी प्रसारणी सभा। हिंदी प्रसारणी सभा नासिक के इस औद्योगिक क्षेत्र में विगत कई वर्षों से 90 से संस्था स्थापित है, 1990 से, और 1995 से हम लोग जगदम्बा भवानी का पूजा स्थापना हिंदी प्रसारणी सभा निरंतर इस औद्योगिक क्षेत्र में नासिक में अपने व्यक्तिगत विकास के साथ, व्यक्तिगत प्रगति के साथ इस औद्योगिक क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ने का काम किया है। भाईचारा और बंधुत्व को बना करके, सबको साथ में लेकर के सार्वजनिक प्रगति और उन्नति, एक दूसरे का भाईचारा सबको मिला करके साथ में लेके चलकर प्रोत्साहित करने का, संगठित करने का काम हिंदी प्रसारणी सभा विगत कई वर्षों से कर रही है। और हम लोग नासिक के लिए, नासिक में अपने लोगों के लिए, हमारी संस्था के नेतृत्व माननीय अध्यक्ष जी के प्रेरणा से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। भाईचारा, बंधुत्व, एकता, सामंजस्य बना करके नासिक की पहचान हिंदी प्रसारणी सभा बनने जा रही है और लोगों को मिला करके हम लोग साथ में लेकर के भवानी जगदम्बा से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी संस्था अपने लोगों को, नासिक के लोगों को आत्मीयता से जोड़ पाए और लोगों के प्रगति, लोगों के विकास, लोगों के उत्थान, लोगों के भाईचारा और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में हमारी आत्मीयता, हमारा संदेश पहुंचे और सब सुखी रहें, सब उन्नति करें, सब साथ में रहें, यही हमारा ध्येय है। और हमारे नेतृत्व की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से अध्यक्ष जी का पूरा प्रयत्न यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ अपनी हिंदी प्रसारणी सभा के संस्था के माध्यम से और अपना भाईचारा, बंधित्व एक दूसरे को बनाकर रख पाएं, साथ में लेके चल पाएं, यही हमारी अभीष्ट चिंतन जगदम्बा से है। हिंदी प्रसारणी सभेचे प्रवक्ते वेद प्रकाश पाठक यांनी सण उत्सवानिमित्त सर्वत्र सुख, समृद्धी आणि आनंदाचं वातावरण राहो अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि त्यानुसार पारंपरिक भाईचारा हा वारसा घेऊन सातपूर कॉलनीमध्ये श्री अंबामातेचा उत्सव हिंदी प्रसारणी सभेतर्फे साजरा होत आहे। नवरात्र उत्सवाच्या मालेत अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी नगरसेविका दीक्षा लोंढे, सामाजिक कार्यकर्ते धीरज शेळके, उद्योजक ललित सिंह, विनय सिंह यांच्या हस्ते दुर्गादेवीची उपासना करण्यात आली। पंडित चंद्रभूषण महाराज यांनी मंत्रोपचाराच्या साक्षीनं मंत्रपठन केलं, त्यानंतर सामूहिक आरतीनं पूजाविधीची सांगता झाली। अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह आणि पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते उपस्थित पाहुण्यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी दीक्षा लोंढे यांनी सर्व भाविकांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या। सभा नाशिक यांच्या तर्फे आयोजित केलेल्या या नवरात्र उत्सवानिमित्त आम्हाला सगळ्यांना आमंत्रित केलं, जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानते आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। त्याचप्रमाणे मी सगळ्यांना विनंती करेन की आपल्या स्वार बाबानगर येथे सुद्धा आपण नवरात्र उत्सव हा मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करत आहोत। या प्रसंगी
हिंदी प्रसारिणी सभेचे उपाध्यक्ष प्रल्हाद सिंह, मनीष मिश्रा सचिव, संजीव चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष, नागेंद्र रंगबहादूर सिंह सहसचिव, रामप्रकाश सिंह, विश्वस्त विद्याभास्कर दुबे, संतोष तिवारी, सुरेंद्रमणि त्रिपाठी, आलोक सिंह, कैलास सिंह, शिवधनी सिंह यादव, अरविंद कुमार पाठक, अमरद्वीप भारद्वाज, रणजीत प्रसाद आणि समाज बांधव उपस्थित होते. यावेळी भक्तिगीतांचा कार्यक्रम पार पडला. मैया के सहैया लागी आई हो माँ, आरती उतारी माई के तवा पुकार तो है, आरती उतारी माई के तवा पुकार तो है, आरती उतारी माई के तवा पुकार तो है, आरती उतारी नाही के तवा पुकार तो है, तुम्हारी बड़ी बनाई हो आरती उतार माई के तवा पुकारे, आरती उतार माई के तवा पुकारे, तो हक दे तू काहे बिगड़ी बना. उपस्थित भाविकांनी या भक्तिगीतांचा लाभ घेतला. मनोहर गायकवाड, दिशानुज, नाशिक.